अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़नीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना हुआ मटन बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से आप अपने घर पर इसे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो आइए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फोर केजी मटन लेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 5 छोटी इलायची लेंगे और 3 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, इसे भी इसके अंदर ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे, 8 से 9 बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 ड्रॉप मीठा अदरक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा अदरक डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी डिलीशियस हो जाता है, इसलिए हमें इसके अंदर मीठा अदरक ऐड करना है। प्रेशर कुकर के अंदर हम गोश्त को डाल देते हैं। इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ना हमें ज़्यादा डालना है और ना ही कम डालना है, पानी का लेवल हमें मीडियम रखना है। प्रेशर कुकर के ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। 4 से 5 प्रेशर आने के बाद हम अपने प्रेशर कुकर को खोलकर गोश्त को चेक करेंगे वो गला है या नहीं। प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम खोलेंगे और एक प्याले में पानी ले लेंगे, उसके अंदर हम गोश्त को डालकर चेक करेंगे गोश्त हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त हमारा गल चुका है। इसे हम फिर से चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, ये 20 से 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है, यानी कि गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक डेगची लेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड करेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तैयारशुदा मटन। प्रेशर कुकर के गोश्त को हम डेगची के अंदर डाल देंगे। प्रेशर कुकर के सारे गोश्त को हम डेगची में ट्रांसफ़र कर देंगे और अपने गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। इसके सारे पानी को ड्राई करना है। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम डेगची के ढक्कन को हटाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये बीच में लगे नहीं। इस बात का ख्याल रखना है कि इसे ढककर छोड़ नहीं देना है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसे ढक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है, इसके अंदर जो भी पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए, ये देखने में ही काफ़ी डिलीशियस
लग रहा है। तो अब हम इसे एक प्याले में निकालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा भुना हुआ मटन का गोश्त बनकर रेडी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस मेथड के थ्रू बनाइएगा तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। मटन के गोश्त को हम निकाल कर तोड़ कर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारा भुना हुआ मटन बनकर रेडी हुआ है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी आज की वीडियो की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज की वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।